तो है दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जाने वाले हैं नवरात्रि स्पेशल नगौत की पूरी मूर्तियां दुर्गे माता की देखने और काली माता की। और रात है तो डेकोरेशन भी बहुत झम होगा, तो आप लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और इट्स व्लॉगर आदि को जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, वीडियो में आखिरी तक बने रहो, शेयर करो, तला दो वीडियो को। तो नवरात्रि स्पेशल, सबको हैप्पी नवरात्रि मेरी तरफ से। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आखिरी तक वीडियो को देखना। तो हमको आंसू मिल चुका है, तो अब हम लोग चलते हैं नगौत की देवियों के दर्शन करने। तो हमारी गली से निकलते ही हमको सिंहपुर चौराहा में मिल जाती है हमारी पहली दुर्गे मैया, जो सिंहपुर चौराहा में ही रखी है, सिंहपुर चौक में, जहां आप उतरोगे तो दिखाई देगा कुछ ऐसा झम डेकोरेशन है। और अंदर जाएं तो थोड़ा अंदर दुर्गे माता विराजित हैं। तो हम लोग चलते हैं अंदर और आप लोग को अंदर से बढ़िया से दिखाते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया मूर्ति लग रही है। फिर हम अब ये हो गई पहली दुर्गा जी की शुरुआत, तो अब चलते हैं और आगे। तो सिंहपुर चौराहा क्रॉस करते हुए अब हम लोग जा रहे हैं सीधे, तो इधर से लाइटनिंग शुरू हो जाती है दुर्गे मैया की, जो कुमकुम पैलेस के जस्ट सामने रखी है। ये देखिए कितनी बढ़िया मूर्ति दिखाई दे रही है, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। सो ब्यूटीफुल मैन। सो अब हम लोग सीधे चलते हैं और तो अब हम घुसने वाले हैं नगौत के सबसे फेमस दुर्गा जी रखने के स्थान में, जो है गांधी चौक। तो गांधी चौक में घुसते ही हमको सामने दिखाई दे जाती है काली माता की विशाल मूर्ति। और मेरे को इधर की डेकोरेशन भी बहुत अच्छी लगती है, और ये हमेशा ही नगौत की फेमस जगह है जहाँ हमेशा बहुत अच्छी मूर्ति रखी जाती है दुर्गे मैया या फिर काली माता जी की। तो अब हम लोग इधर से जाते हैं तो हमको मिल गए साई बाबा की रैली, जो बड़े ही ढोल नगाड़े और धूमधाम और रोड लाइट लाइटिंग के साथ डीजे के साथ निकाली जा रही है। मेरा भी नाचने का मन हुआ, पैर थरथराए पर मैंने कंट्रोल किया बिना रिमोट के। तो अब इसके बाद हम चल दिए हैं फिर से अपने रास्ते में राइट को, जहाँ मैं उंगली दिखाया। रोड में चलते हुए हमको इतनी लाइटिंग दिखाई दी, लेकिन फिर पता चला कि मूर्ति तो गली में और रोड में दोनों लगे रखी है। तो गली में हम लोग गए तो यहाँ की मूर्ति हम लोग को बहुत अच्छी लगी, लेकिन अफसोस पीछे की लाइट चालू नहीं थी और हमको इतना टाइम नहीं था। फिर बाहर निकलने के बाद हमको मिली दूसरी मूर्ति जस्ट उसके सामने। तो उधर से निकलने के बाद हमको मिली काली माता की झम मूर्ति थोड़ा आगे बढ़ते ही, और फिर उसी मूर्ति के सामने मिली हमको दुर्गे मैया की एक और मूर्ति, और उसी मूर्ति के बगल में मैदान में हमको दुर्गे मैया की एक और मूर्ति मिली। भाई तीन मूर्तियां अगल बगल हैं, काली माता की एक और दुर्गे मैया की दो मूर्तियां भाई। और इधर की टंकी का डेकोरेशन मेरे को सबसे अच्छा लगा, मैदान का डेकोरेशन भी झम है भाई। और हम लोग दुर्गा जी पास पहुंचे तो हमको दुर्गा जी की मूर्ति बहुत सुंदर लगी। और इधर के दर्शन करने के बाद हम लोग जाने लगे मैदान के बाहर, तो डेकोरेशन मैंने थोड़ी सी दिखाई, टंकी की तो झम ही लगी भाई। साइकिल हमारी दोनों यहाँ खड़ी है। फिर हमको मिली थोड़ी आगे काली माता की छोटी प्यारी मूर्ति, और फिर हम लोग पहुंचे बंटी चौराहा सामने, मेन मार्केट इतना सजा है भाई, वहां कोई मूर्ति नहीं रखी। और फिर हम लोग मुड़े तो हम लोग को पहले राम जी आशीर्वाद देते हुए, और फिर सामने मिली हम लोग को दुर्गा जी की बहुत अच्छी मूर्ति। और फिर उसके आगे पोस्ट ऑफिस के बगल वाली गली में हमको मिली एक और मूर्ति, और उसी के जस्ट अपोजिट साइड भाई, मेन रोड के उस साइड हमको मिली यहाँ की फेमस एक और काली माता की मूर्ति। ये मूर्ति मेरे को दिल में भा गई भाई। और फिर हम लोग इधर से मुड़े तो काली माता की मूर्ति तो जम लगी। फिर हम लोग चले आगे तो हमको मिली कन्या पाठशाला के पास एक और मूर्ति दुर्गे जी की, सभी सुंदर है भाई, मैं किसको क्या कह दूँ, सभी दिल को भाने वाली हैं। फिर हम लोग पहुँचे बस स्टैंड, तो बस स्टैंड में हर साल होती है रामलीला, तो हम लोग रामलीला दिखाएंगे। हम लोग घुसे बस स्टैंड के अंदर, प्यास लगी थी तो मम लिए, आंसू पी रहा है,
मैं भी पिया भाई, मेरे को ही प्यास लगी थी आंसू। तो फिर रामलीला के मैदान में हम लोग रामलीला कुछ देर देखे बढ़िया से, और अच्छा लग रहा था भाई, अच्छा लग रहा था। कुछ कुछ चीज़ बीच में से बनी आई लेकिन अच्छा बहुत लग रहा था। और फिर रामलीला देखने के बाद हमको सुकून प्राप्त हुआ, फिर हम लोग चले बस स्टैंड के बाहर। तो सामने इतनी डेकोरेशन है क्योंकि ये है काली माता का छोटा सा मंदिर जो मैंने नगौर टूर में दिखाया ही था। फिर इसके बाद हम लोग पहुँचे अपनी आखिरी मूर्ति में जो है MI स्टोर के जस्ट सामने। और फिर इसके बाद हम लोग पहुंच गए जहां से हमने की थी स्टार्टिंग सिंपुर चौराहे की दुर्गा जी। हम लोग अपने मोहल्ले आ गए हैं वापस। तो अब आंसू जाएगा घर भाई, आंसू को बहुत बहुत थैंक यू हमारा साथ देने को। तो गुड नाइट भाई, कल मिलते हैं, बाय बाय बाय, हमारा प्यारा सा होम स्वीट होम। तो फाइनली भाई हम लोग 2.5 से 3 घंटा बाद पहुंच चुके हैं घर, क्योंकि गली से घुस घुस के सभी दुर्गा जी दिखा दिखा के मेन रोड से निकल निकल आप लोग को दिखाए हैं। वीडियो में उतना नहीं पता चलता क्योंकि आज भीड़ भी बहुत थी, तो मैं रोड में कैमरा ऑन भी नहीं किया, साइकिल चलाने ज़्यादा फोकस किया हूँ क्योंकि ठुक जाता तो, और इसीलिए ज़्यादा रोड का नहीं दिखाया, लेकिन दुर्गा जी आपको पूरी दिखाए हैं। और भाई एक दो जो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन अगर रह गई हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप लोग हमारे चैनल इट्स ब्लॉगर आदि को सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कमेंट में बताइए नगौत की दुर्गा जी कैसी लगी भाई। और बेल आइकन को जल्दी से दबा दो क्योंकि इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं, क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ गाँव और फिर उसके बाद दिवाली आ रही है, इस बार वीडियो की धमाका होने वाली है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एडवेंचरस, समझ गए ना, नेक्स्ट वीडियो का हिंट दे रहा हूँ एडवेंचरस ब्लॉग के साथ। सो बाय।